अनुपुर ज्योति चैनल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। रुक करते हैं समाचार की ओर। चुन्नावड़ से हमारे संवाददाता महेंद्र परवाना ने बताया कि चुन्नावड़ में सरपंच प्रत्याशी पुष्पा रानी सेतिया को सैकड़ों की तादाद में एकत्रित मतदाताओं ने लड्डुओं से तोला गया। कस्बे के वार्ड नंबर 12 में सोमवार को सरपंच प्रत्याशी पुष्पा रानी सेतिया को मतदाताओं की भारी संख्या में एकत्रित होकर भरपूर समर्थन के साथ प्रत्याशी को लड्डुओं से तोला गया है। सरपंच प्रत्याशी पुष्पा रानी सेतिया ने इस मौके पर एकत्रित भारी समर्थकों को विकास कार्य करवाने का भरोसा दिया, जिस पर भारी संख्या में मौजूद मतदाताओं ने अपने दोनों हाथ खड़े करके वोट देने का पक्का वादा किया। प्रत्याशी को आशीर्वाद देकर चुनावी मैदान में उतारने वाले गांववासियों का साथ दे रहे पिछले 2-3 दिन से लगातार दिन रात एक करके जी जान से डटे हुए हैं। इलाके की आन और शान भामाशाह ओम बिश्नोई अपने पृथक ग्राम होने के नाते प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। भामाशाह मतदाताओं को प्रत्याशी के प्रति ठोस गारंटी के साथ लोगों को विश्वास दे रहे हैं। वे कहते हैं विकास कार्य और लोगों के काम करवाने का भी पक्का आश्वासन दे रहे हैं। ज्ञात रहे कि भामाशाह ओम बिश्नोई ने इलाकों में पिछले कई सालों से लगातार करीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए गुरुद्वारों, मंदिर, धर्मशालाओं, गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपये दान में दिए हैं। इन सब बातों को देखते हुए भामाशाह को मतदाताओं ने प्रत्याशी के में वोट देकर उन्हें जिताने का पक्का दिलासा दिया है। इस मौके पर भामाशाह ने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति काम के लिए बेझिझक मेरे से मिले, मैं उसका काम करवाऊंगा। उन्होंने कहा मेरे गांव के लोगों के साथ मेरा बहुत रिश्ता नाता है, प्यार है। उन श्याम से कहा कि गरीब किसी गरीब के साथ में चाहे मुझे कुर्बानी भी देनी पड़े। भामाशाह ने मतदाताओं से विनम्र किया कि प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमेशा हमेशा गांववासियों का एहसान मंद रहेगा। चुनावड़ सरपंच पद के प्रत्याशी के समर्थक सरपंच बनने के बाद सरपंच गांव में क्या क्या काम करवाएंगे, उनका क्या उद्देश्य रहेगा? सरपंच बनने के बाद उनका उद्देश्य यह है कि हम सड़कें बनवाएंगे, औषधालय और जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं है उन्हें बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और डिलीवरी 5 डॉक्टरों का ये हॉस्पिटल और यहाँ एक ही मात्र डॉक्टर है। हाँ जी, और लोग बहुत परेशान है। हाँ जी, वहाँ यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है इसलिए, और डॉक्टर साथ में रखेंगे, डिलीवरी केस भी कराएंगे। डिलीवरी केस में औरतों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया है। इस बात के लिए हमें पूरा ध्यान रखना है और हमें किसी औरत को दुखी नहीं होना देखना। विधवाओं की पेंशन भी बढ़ाएंगे, विधवाओं के पेंशन बनवाएंगे और सड़कें बनवाएंगे और सारे बच्चे जो अनाथ है उनका पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो भी उसके लिए काम है उनके लिए जरूर करेंगे। और सबसे पहले हमारे शमशान घाट का रास्ता नहीं है, जो भी बाहर से आता है वो बहुत हमारे शमशान घाट का रास्ता ही नहीं है। नहीं है शमशान घाट जाने का भाई साहब रास्ता नहीं है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा यही समस्या, जो भी सरपंच आया उसने कभी ये नहीं सोचा कि उस रास्ते हरेक सबने जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सोच है। चुनावड़ से सरपंच प्रत्याशी पुष्पा सेतिया जो खड़े हैं उनके समर्थक गुरुद्वारे के प्रधान दर्शन सिंह जी, आपका क्या कहना है कि सरपंच बनने के बाद ये गांव में क्या काम करवाएंगे, इनका क्या उद्देश्य रहेगा? इनका उद्देश्य एक तो गरीबों दी पेंशनां बढ़ाउणियां, एक अपने गरीबों के मकान इंदिरा विकास लियावांगे असी। ठीक है ठीक। दूजा नंबर है भी कोई सड़क ते निकासी पानी आला करना है। बहुत बढ़िया है। ते होर फिर हैंड पंप अपने जेड़े सारे सार्वजनिक जगह ते हैगे ने, सार्वजनिक जगह पर हैंड पंप लगाए जाएंगे ताकि आम जन को परेशानी ना होवे पानी दी। बाकी जल विभाग नु करांगे सूचित भी, मतलब जल सही आना चाहिए पानी, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए जनता को। हाँ। बहुत अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया है सर। हाँ जी भजन सिंह जी, कलाकार नहार साहब, हाँ जी, आप चुनावड़ प्रत्याशी के प्रति आपका क्या सुझाव रहेगा? अही साहब सरपंच साहब दे सैतिया साहब उन्हां दे अगे बेनती करते हैं, ये जितणगे जरूर और जित के ते इन्हां नूं यह बेनती करते हैं कि हर एक जाति नूं हर एक धर्म नूं इको जिहा समझण और किसी दे नाल ऊंच नीच ना कोई भेदभाव ना बरतें, सबके साथ समान रूप से बरतें। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, भावना बरतें। दूजी गल 6 नंबर दे विच साड़ी एक सड़क बनने वाली आ, ओ 6 नंबर सड़क की बेनती करते हैं भी वो सड़क साड़ी जरूर बनेगी बनेगी जरूर बनेगी। हाँ ये प्रत्याशी कह रहे हैं कि जो वंचित सड़कें रह रही हैं उनको बनाया जाएगा। हाँ जी।